हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमपी वर्ल्ड। फ्रेंड्स, ये विनोद का 26 सेंटीमीटर 3.2 लीटर का मैंने कढ़ाई ऑर्डर किया है और इसकी मैंने जब रिव्यू देखा तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। ये इसमें देखिए, इसने 60 महीने की वारंटी दी हुई, यानी कि 5 साल की आपकी वारंटी देता है इस प्रोडक्ट पर। ये तो 5 साल की वारंटी इसने दी है, तो मतलब प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा होना चाहिए। इसमें 3.4 SS ग्रेड का इसने स्टेनलेस स्टील यूज़ किया हुआ है। तो चलिए इसे देखते हैं खोल करके कि प्रोडक्ट कैसा है। और यह जैसा मैंने रिव्यू पढ़ा था उस रिव्यू के हिसाब से इसका प्रोडक्ट है कि नहीं है। प्रोडक्ट तो काफ़ी हैवी है। ये देखिए, वज़न भी काफ़ी ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि इसमें सब्ज़ी जो है जल्दी आपकी जलेगी नहीं। काफ़ी मोटा है। ये देखिए नीचे से इसका जो बेस बना है। सबसे अच्छी बात यह है, इसमें जो इंडक्शन के लिए अलग से प्लेट नहीं लगी हुई है, इसलिए आपको डरने की कोई बात नहीं इसमें कि वो निकल आएगा। ये सबसे अच्छी चीज़ है इसमें। और काफ़ी हैवी है प्रोडक्ट, तो दिखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। यूज़ में भी मेरे ख्याल से काफ़ी बेनिफिशियल होगा। इसकी जो लीड बनाई है, लीड भी काफ़ी हैवी है और परफेक्टली इसको फिट हो रही है। तो फ्रेंड्स, प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब चलिए हम इसे यूज़ करके देखते हैं इंडक्शन पर ये कैसा काम कर रहा है। फ्रेंड्स, मैंने इसे इंडक्शन पे रख दिया है। अब चलिए इसे देखते हैं कि कैसा वर्क करता है। ये मैंने देखिए जस्ट अभी चालू किया है। अब ये समझ आ जाएगा कितना इक्वली या डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है इसमें एनर्जी और पानी प्रॉपरली गर्म होता है कि नहीं होता। मैंने फ़िलहाल अभी इसमें केवल पानी डाला है केवल चेक करने के लिए, क्योंकि कई लोगों का कमेंट था कि इस पर जैसे ही उन्होंने इंडक्शन पर यूज़ किया उनका जो कढ़ाई है वह बिल्कुल काला हो गया। मुझे तो ऐसा नहीं लगा। कुछ लोगों ने कमेंट किया होता कि 3.2 लीटर लिखने के बाद उसने उनको 2.5 लीटर दे दिया। तो मुझे तो 3.2 लिखा हुआ था स्पेसिफिकेशन पे और 3.2 लीटर का ही कढ़ाई मेरे पास आया है। बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। और ये देखिए, इसमें हल्के हल्के बुलबुले आने लगे हैं, गैस बनने लगा है और पानी जो है बिल्कुल प्रॉपर गर्म हो रहा है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। कहीं ऐसा नहीं हो रहा कि बिल्कुल गर्म हो गया और तेज़ी से उबलने लगा है जिससे आपकी सब्ज़ी जल्दी जल जाएगी। तो फ्रेंड्स, मुझे तो क्वालिटी बहुत अच्छी लगी इसकी। उम्मीद है आप लोगों को भी ये अच्छा लगेगा। आप इस कढ़ाई को बिल्कुल परचेस कर सकते हैं। क्वालिटी बहुत अच्छी है इसकी। सब्ज़ी भी आपकी इसमें नहीं जलेगी क्योंकि काफ़ी हैवी है। बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छा बनाया है विनोद ने। जैसे अपने नाम के हिसाब से इसकी कढ़ाई भी काफ़ी अच्छी है। ये देखिए, पानी बिल्कुल उबलने लगा है विद इन ए मिनट में ही। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और आप इस कढ़ाई को लेने के लिए बिल्कुल बेझिझक जा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फ्रेंड्स, आप इस कढ़ाई को लेने के लिए मेरे डिस्क्रिप्शन में जा करके उस पर दिए हुए लिंक से भी आप जा सकते हैं और वहाँ से आप परचेस कर सकते हैं।